दोस्तों मैं अपने नए मेंशन में बैठ करके वीडियो को एडिट कर रहा था और मैं देख रहा था कि यार वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है। और भाई ये है कुछ मेरा स्टूडियो और मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। चलो फाइनली मेरा वीडियो का काम भी ओवर हो गया है। चलो अब मैं खड़े होकर के दिखाता हूँ, ये मेरा कुछ स्टूडियो है गाइस, नए वाले स्टाफ क्वार्टर का। स्टाफ क्वार्टर तो नहीं है, नया घर ही है जो हमने खरीदा है। मैं इसका हाउस टूर भी दे देता हूँ। यहाँ पे एक बुक शेल्फ है जिस पर कोई पढ़ता नहीं है, ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं तो यहाँ पे शिनचैन का रूम आता है, मतलब शिनचैन और मेरा रूम आता है। और यहाँ पे अभी जाके मैं क्या करूँ, शिनचैन कहाँ पर है, शिनचैन ऊपर ही होगा। तो भाई सीढ़ियाँ एक और बार ऊपर जाती हैं और भाई ऊपर देखो छत से अच्छी तरीके से धूप भी आती है। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारा बहुत अच्छा बड़ा किचन है और यहाँ पे कितना ज्यादा मतलब कलर कितना अच्छा है। और यहाँ पे सोफा, टीवी, यहाँ पे बुक शेल्फ, यहाँ पे अच्छा व्यू, सब कुछ बहुत अच्छा है। और शिनचैन कहाँ पे है भाई, छुपके तो नहीं बैठा है शिनचैन? अबे शिनचैन, अरे गाइस ये शिनचैन कहाँ पर है, पागल हो रखा है क्या? अबे यार ये पता नहीं कहाँ पर है। तो गाइस यार आपको कैसा लगा हमारा हाउस टूर? क्योंकि यार मेरे को पता लग रहा है कि यार ये मेंशन आपको अच्छा लगा होगा, ये पक्का शिनचैन मुझे लग रहा है सो ही रहा होगा। तो गाइस मैं सबसे पहले ना शिनचैन के पास पहुंचता हूँ। शिनचैन, ओ शिनचैन उठता क्यों नहीं अबे, क्या नौटंकी है तेरी? अरे जाओ यार दिमाग खराब मत करो यार, मैं नहीं उठता। चल दिमाग खराब तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। अबे यार शिनचैन उठ जा यार, जल्दी से चलना है यार, केसेस सॉल्व करने हैं। तो मेरी क्या जरूरत है, केसेस तो आपको सॉल्व करने हैं। अबे यार दिमाग खराब मत कर यार। अरे जाओ यार तुम दिमाग खराब करते हो, मैं क्या करता हूँ। तो गाइस अब तक मैं आपको दिखाता हूँ अपना ड्रेसिंग एरिया। ये शिनचैन और मेरा ड्रेसिंग एरिया है, सिर्फ मेरा है, मुंह बंद कर। और ये अपना वॉशरूम एरिया है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बाथ टब है। और यहाँ पे नहाने के लिए ये भी एरिया बहुत अच्छी तरीके से। फ्रैंकलिन भैया फ्लश कर देना। छी यार तू फ्लश तो कर दिया कर। ओए ये कौन है? अबे भाई अपनी शक्ल देख के डर गए ना, सोचो मैं क्या करता होऊंगा यार, मेरे को तो पूरे दिन भर झेलना पड़ता है। शिनचैन यार इतनी डरावनी शक्ल आपकी है, चल भू मत कर। ओके तो गाइस मैंने इसको उतार निकाल दिया है। अब चल भाई स्कूल के लिए चलना है, स्कूल अभी तो केस सॉल्व करने जाना था। हाँ मतलब केस सॉल्व। तो गाइस हम घर से बाहर निकल जाते हैं। तो अपना न्यू, तो गाइस यहां पे अपनी थार और स्कॉर्पियो भी खड़ी हुई है अच्छी तरीके से, कार घोड़ा अपना। अरे यार चलो जल्दी से। अबे यार पुलिस सिक्योरिटी नहीं आई, शिनचैन आज तो पुलिस सिक्योरिटी मंगा रखी थी गाइस मैंने, और आज पुलिस सिक्योरिटी नहीं आई है, पता नहीं क्या है यार। मैं इनको कॉल कर करके थक गया हूं, अभी तक नहीं आए हैं, फिर से कॉल कर लो इनको, ऐसा करो। ओके तो गाइस मैं इनको फिर से कॉल करता हूं, पुलिस सिक्योरिटी। अब मेरी पुलिस सिक्योरिटी भी अच्छी तरीके से अपने काफिला में आ रही होती है और भाई बड़ी अच्छी तरीके से एक कॉल में आने लग गई है। अरे ये कौन जा रहा है? फ्रैंकलिन सर आया ना इधर आसपास, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे यार, अरे फ्रैंकलिन सर का मेंशन इधर ही है क्या? अरे भाई यहाँ पर है बिड़ू। अरे यार चलो चलो इसके ये अंदर घुसो। और गाइस यार ये पुलिस सिक्योरिटी मेरे पास आ जाती है तोड़फोड़ करते हुए, साले सिंगम बनते फिरते हैं यार, दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। सर जी आ गए बहुत अच्छी तरीके से। सर जी ये है आपकी सिक्योरिटी। अबे भाई मेंशन कैसा लगा? अरे सर मेंशन है क्या है सर, इतना बढ़िया ले लिया। और कितने खटारा से मकान में रहते थे आप, है ना भाई? अरे हाँ जी सर, अब तो गाड़ियां ले लो। और गाइस यार हमारी सारी सिक्योरिटी अच्छी तरीके से इस प्लेस हो गई है। तो गाइस देखो यार कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। केस सॉल्व करने से पहले यार मैं आपको ना ये अपना पूरा मेंशन दिखा देता हूँ जो सिक्योरिटी से फुल्ली लोडेड हो रखा है। और ये सिक्योरिटी देखो आसपास पूरी सारी है भाई, हर 10 मीटर की दूरी पे ये लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पे सारी गाड़ियां पुलिस की खड़ी हुई है, यहाँ से तो देख करके दूर भाग जाएगा कोई भी चोर। इवन छत पे भी सारे लोग खड़े हुए हैं, छत पे भी देखो गाइस यार कितनी ज्यादा भीड़ मच रखी है। मतलब यार कहाँ कहाँ खड़े हो रखे हैं छत पे, जहां जहां हमने सोचा भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं आ सकता हमसे पंगे लेने के लिए। और यार हमारी थार स्कॉर्पियो गाड़ी देख के तो वैसे भी कोई नहीं आता यार, ये तो मामूली बात है। लेकिन गाइस यार ये इतना बड़ा मेंशन और सिक्योरिटी हो ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे को यार अपनी पहले वाले दिनों की यादें ताजा हो गई, जब मैं पुलिस हुआ करता था एक टाइम पे। अच्छा चलो चलो अब क्या इस केस सॉल्व करने चलते हैं। हाँ भाई चलते हैं चलते हैं। अरे अरे यहाँ पे वो जो रानी, यहाँ पे रानी रहती है ना, अरे यार उसने ना एक फॉर्चुनर लेजेंडर लिया भाई साहब, कम से कम 70 लाख रुपए की है यहाँ पे लॉस सेंटोस में। अरे अरे भाई ये तो एडिशन है, ब्लैक एडिशन, ये तो मिलता भी नहीं है। ऐसा करता चुरा करके भाग जाता, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा इसमें तो चुरा कर। अरे निकल निकल, गाड़ी चुरा ली इसकी, मेरी गाड़ी चुरा ली, फ्रैंकलिन सर को कॉल करती हूँ। हाँ कर ले, मेरी गाड़ी चुराते हैं ये, फ्रैंकलिन सर को कॉल करती हूँ। दोस्तों हम भी बैठ जाते हैं, काला घोड़ा निकालते हैं अपना आज, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो क्लासिक में बैठ करके जाते हैं। अरे यार हमें और भी सारी गाड़ियां लेनी है गाइस, पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है अपने पास। और क्या गाइस यार, और देखो यार अपनी स्कॉर्पियो कैसी लग रही है ऐसी सिक्योरिटी में से निकल करके। और भाई अपनी स्कॉर्पियो को लेकर के हम जाते हैं। और यार आज बारिश का मौसम बहुत तगड़े वाला हो रहा है। फ्रैंकलिन भैया मौसम बता रहे हैं कि मौसम एकदम से शांत हो जाएगा।
जाएगा, ऐसा भी होगा क्या? हाँ मौसम विभाग ने बताया। अच्छा तू उनकी बातों में बड़ा विश्वास करता है? अरे यार मैं सच बोल रहा हूँ यार फ्रैंकलिन भैया। अरे यार वो भाई सही में हो गया। एक सेकंड ये किसकी कॉल आ रही है? उठाओ उठाओ उठाओ। रुक जा भाई ड्राइविंग करते टाइम नहीं, अब उठाता हूँ। हेलो हेलो। अरे फ्रैंकलिन सर मेरी गाड़ी चुरा करके ले गई है। कौन सी गाड़ी है? अरे फॉर्चूनर लेजेंडर चुरा कर लेकर आए हैं। अरे यार फॉर्चूनर लेजेंडर आपकी नई गाड़ी? हाँ जी सर जी। मैडम कहीं वो ब्लैक कलर की तो ना? अरे हाँ जी सर जी वो ही है। शिनचैन ये तो ब्लैक कलर की जा रही थी पीछे से। अरे यार जल्दी बैठे यार, पता है चोर हमारे सामने से गया है। अरे यार शिनचैन जल्दी से स्पीड पे चलते हैं। अरे गाइस देखा ना यार, हमारे सामने से चोर जा रखा है ब्लैक कलर की फॉर्चूनर लेजेंडर यार लेकर के। भाई हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि यार हमें केस सॉल्व करने के लिए ऐसे मिल जाता है। अरे मेरे पीछे कोई लग रहा है, फ्रैंकलिन पीछा कर रहा है। अब शिनचैन उसको पता चल गया होगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया आप अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक को स्पीड में भगाओ। गाइस स्कॉर्पियो क्लासिक को कितनी भी स्पीड में भगा लो फॉर्चूनर का पीछा तो कर नहीं सकती है। फॉर्चूनर अलग ही लेजेंडर ही है भाई वो। लेकिन फिर भी गाइस मैं बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक को भगा ही रहा होता हूं। देख रहे हो ना गाइस मैं काफी करीब भी पहुंच जाता हूं उसके, लेकिन वो भागने से बहुत ही आगे भागे जा रहा था। तो मैं सोचता हूं कि यार मेरे को ना गन से उसके टायरों पे वार करना पड़ेगा। जो भाई मैं उसके गन से टायरों पे वार भी करता हूं और उसके टायर पंचर हो भी जाता है, जिस चक्कर में गाइस यार उसकी गाड़ी डैमेज होकर के एक दीवार में ठुक जाती है। वहां के लोग भी यार बहुत चक्का हो जाते हैं और भाई मेरी स्कॉर्पियो क्लासिक उस पर भेड़ देती है फिर तरीके से। अरे फ्रैंकलिन सर बाहर है, फ्रैंकलिन सर पीछे पड़ गए, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे, मेरे पे लेजेंडर है। बेटा मेरे पे भी स्कॉर्पियो क्लासिक है, महिंद्रा को हल्के में ले रहा होगा। अरे यार स्पीड में गाइस मैं भगाता हूँ जल्दी से। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस क्या क्या पंगे हो जाते हैं भाई देखना पड़ता है। अरे भाई ये लेकर के जा रहा है, अब भाई ठोक दी इसने तो। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो बहुत गंदी ठोकेगा। अरे यार कहीं हम मैडम को वापस लौटाने जाए, तब तक तो इसका बुरा हाल हो जाएगा। शिनचैन रुक जा यार, अब बुरा हाल हो जाएगा तो होगा ही, इसको रिपेयर करवा लेंगे। फ्रैंकलिन भैया कैसे भी करके रोको ना उसको यार, मैंने टायर तो पंचर कर दिया था। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस, ये वापस से मोड़ दे रहा है, चकमा देने की कोशिश कर रहा है। इसका टायर और अच्छे से पंचर करो ना। ओके सो गाइस मैंने उसके और भी टायर पंचर करने की कोशिश करता हूँ। ओके सो गाइस फाइनली उसका एक और टायर पंचर हो चुका है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हो गया है, अब वो ज्यादा दूर नहीं रुक पाएगा और इधर ही चल करके आएगा। शिनचैन कहाँ ले जाएगा? ओ भाई यार पब्लिक को परेशान मत कर यार, दिमाग खराब मत कर, गाड़ी सरेंडर कर दे शांति से। मैं नहीं करूंगा सरेंडर कर दे तेरी गाड़ी में, अब कुछ नहीं बचा और तू कहीं भी नहीं जा पाएगा। फ्रैंकलिन भैया उतर के मारो इसमें गोली। मैं मार तो रहा हूँ, इसके लग तो गई है। लग गई मेरे। अब यार मैं मार तो रहा हूँ शिनचैन और मारता हूं मैं भागता हूं। अबे शिनचैन ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। अरे मेरे से क्या बोल रहे हो यार फ्रैंकलिन भैया, वो रुकेगा वापस आएगा देखना, वो कहीं नहीं जा पाएगा, जाएगा तो यहां से ही क्योंकि ये रॉन्ग वे साइड ले जा रहा है। बात तो सही है यार गाइस, ये रॉन्ग वे साइड ले जा रहा है, आएगा तो वापस से इधर ही मुड़ करके। बेटा कहां पे जाएगा, हम भी पुलिस है यार, कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हां क्योंकि कच्ची गोलियां पक्की गोलियां इनसे खेली जाती नहीं है। मुंह बंद कर। ओके सो गाइस यार मैंने उसको टेक डाउन कर दिया। लग गई। अबे चल तू मर गया, बाहर निकल यहां पे। भाई यार कस्टमर की गाड़ी, मतलब कस्टमर नहीं अपने यार पब्लिक की गाड़ी यहां ऐसा करता है। मारता हूं इसको शिनचैन मैं अच्छी तरीके से। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं पुलिस को कॉल कर देता हूं। हेलो पुलिस ऑफिसर यहां पे एक लाश पड़ी है, इसको उठा के ले जाओ साले को, चोर कहीं का, बहुत चोरी करता है ये। हां भाई देखा है भाई, इसको मैंने बहुत चोरी करता हुआ देखा है। ओके सो गाइस हमने इसको मार दिया है, अब यार इसको ले जाते हैं यार हम स्कॉर्पियो क्लासिक को टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर नहीं टॉर्चन, हाँ मतलब यार अच्छे से अटैच करते हैं गाइज रस्सी से और गाइज लेकर के जाते हैं फॉर्चूनर लेजेंडर को बैनी के वर्कशॉप पे। जल्दी चलते हैं गाइज, सब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ गाइज कर दो। तो गाइज हम लोग बैनी के वर्कशॉप पे भी पहुंच ही जाते हैं अपनी फॉर्चूनर लेजेंडर को घसीटते लेकर के जा करके। अब यार इसमें से मैं उतरता हूँ और इसको यार मैं इसका टॉर्चन जो कर रखा था उसको हटाता हूँ गाइज। स्टाइल में कूदेंगे फ्रैंकलिन भैया भी। हाँ भाई चलो गाइज मैं फॉर्चूनर लेजेंडर में बैठता हूँ अच्छी तरीके से और मैंने इसको यार अच्छी तरीके से यार जाता हूं बैनी के वर्कशॉप पे। फ्रैंकलिन सर क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अरे फ्रैंकलिन सर क्या हुआ भाई? रिपेयर कर दे सर, $725 लगेंगे। यार 725 तो बहुत होते हैं। अरे यार शिनचैन ये तो अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया गवर्नमेंट के खाते में लिख लेंगे ना। चल कोई बात नहीं यार, फॉर्चूनर लेजेंडर कितनी ज्यादा अच्छी लगती है शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया इतनी बढ़िया गाड़ी है और क्या भाई, अभी मैं बताता हूँ गाइस आप लोगों की कितनी बढ़िया गाड़ी है। गाइस क्या हमें भी ये गाड़ी लेनी चाहिए? आप लोग
कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि हमें हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि गाइस पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है और हम ये गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा कहो तो यार हम लोग ये गाड़ी ले लेंगे। तो गाइस कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मुझे तो बहुत ज्यादा फाड़ू गाड़ी लग रही है ये। प्रिंकलिन भैया इसके साइड में देखो, पीछे देखो, सब में बढ़िया लग रही है। गाइस यार ये मेरी ना स्कॉर्पियो क्लासिक भी आगे से थोड़ी सी डैमेज हो गई है, तो इसको भी रिपेयर करने को दे देते हैं। रिपेयर होगी जब तक यार ये गाड़ी हम छोड़ करके आते हैं। फ्रेंकलिन सर ऐसा करो, मैं अपने बंदे को भिजवा दूंगा, आप अपना एड्रेस दे देना, मैं वहां पे छुड़वा दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। शिनचैन राजा भाई इस गाड़ी को लेकर के चलते हैं, उन मैम को वापस से दे करके आते हैं। मैम की तो है, हाँ भाई हाँ। शिनचैन बैठ जल्दी से, बैठ रहा हूँ। ओके सो गाइस फाइनली यार गाड़ी में यार शिनचैन को बैठाते हैं और निकाल करके ले जाते हैं। कितनी ज्यादा खतरनाक है। बाकी कमेंट करके बता रहा है गाइस हमारे पास भी फॉर्च्यूनर लेजेंडर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके भाई पे पैसा तो बहुत हो गया है, पुलिस की जॉब जैसी ही आई है। तो गाइस यार अब ना यार हम ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर को ले सकते हैं, लेकिन गाइस हमें नई वाली लेनी पड़ेगी। ये तो मैडम की चली हुई और यूज्ड है, और यार हमारे सामने ठुक भी गई है, चोरी भी हो चुकी है, तो हम इसकी कंडीशन देख करके हम इस गाड़ी को खरीद नहीं सकते। तो गाइस हमें ना टोयोटा के शोरूम जाना पड़ेगा नई गाड़ी लेने के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को जल्दी से वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर बाय करो। तो गाइस अपन जल्दी से बाय करेंगे, हाँ जल्दी से बाय करेंगे। तो गाइस हम ना पहुंच जाते हैं उन मैडम की लोकेशन पे। अब वो मैडम अपनी गाड़ी देख के बहुत ज्यादा खुश होंगी। हाँ, अरे मेरी गाड़ी, फ्रैंकलिन सर यू आर सुपर हीरो। मैम आपकी गाड़ी सही सलामत लेकर के आया हूँ मैं, ये तो पर ठुक गई थी। मैम कोई बात नहीं, वो खर्चा हमने अपनी गवर्नमेंट पे झेला है। अब अच्छा $700 में रिपेयर हुई है आपकी गाड़ी, वो मैंने झेला है। अरे सर थैंक यू सो मच सर, सर आप महान हो, आप महान देवता हो सर, आप बहुत अच्छे हो सर। अरे मैडम ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सर नहीं सही में बहुत अच्छे हो सर, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या मतलब मैम? अरे सर मैं आपके लिए आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैम क्या गिफ्ट? अरे सर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने खर्चे पे मेरी गाड़ी रिपेयर करी, आपने मेरी गाड़ी अपनी जान पे खेल करके बचाई है, तो सर मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो कैसे जाने दोगी, बता तो दो यार, ये बुढ़िया बता नहीं रही है। फ्रेंकलिन भैया सर अभी मैं आती हूँ, एक मिनट। अरे कहाँ जा रही हो मैम? अरे अभी आती हूँ ना। शिनचैन ये तो गई यार, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या होने वाला है। आ रही हूँ ना सर, चिंता मत करिए। अबे यार शिनचैन क्या चक्कर है यार। फ्रेंकलिन भैया कुछ गिफ्ट है तो कुछ अच्छा ही मिलेगा ना, जैसे हमें पहले मिला था यार बहुत अच्छी तरीके से। हाँ यार शिनचैन ऐसा भी हो सकता है यार। शिनचैन मैडम आने थे यार थोड़ी देर के लिए। अरे यार आने वाली है, फ्रेंकलिन भैया आ गई सामने से आ गई। अरे इसके हाथ में तो प्रूफ केस है सर। सर 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 इसमें ना डायमंड रखे हुए हैं। डायमंड? हाँ जी सर जी, इसमें डायमंड रखे हुए हैं और मैं चाहती हूँ ये सारे डायमंड आप रख लीजिए। क्या? नहीं नहीं मैम मुझे नहीं रखने हैं। सर ये 5 करोड़ के डायमंड है सर, मैं क्या करूँगी इसका सर। मैं आप रख लीजिए सर, मेरे को कोई जरूरत नहीं इन पैसों की, ये वो माया है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैडम दे दो फिर। अबे शिनचैन भाई ये क्या हो गया, लॉटरी लग गई। मैम अपनी गाड़ी के साथ खुश रहो। अरे सर मैं छोड़ के आऊँ? नहीं नहीं मेरी गाड़ी आ जाएगी। प्रिंकलिन भैया वो गैरेज पे कॉल करो बहनी के, वहाँ से हमारी गाड़ी आती होगी। हाँ गाइस मैं यार वो गैरेज पे भी कॉल कर देता हूँ, क्योंकि गाइस 5 करोड़ का डायमंड लेके जा रहा हूँ। अरे भाई यहाँ पे लोकेशन पे गाड़ी छोड़ दो। ठीक है सर जी। शिनचैन यार भाई 5 करोड़ की गल वो हो गए डायमंड, अरे मजा आ गया। ओके सो गाइस यार, अरे फ्रैंकलिन सर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे गाइस हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक भी आ गई है। अरे अरे भाई ठोक मत। अबे यार सर जी आप रॉन्ग साइड खड़े हो, सॉरी भाई सॉरी गलती हो गई, जल्दी से भाई गाड़ी दो। ठीक है सर जी। ओके शिनचैन भाई जल्दी से यार स्कॉर्पियो क्लासिक में बैठते हैं अपना और निकलते हैं घर की तरफ। भाई यार आज का दिन तो बहुत ज्यादा हाहाकार, पता क्या ही हो गया भाई, मजा ही आ गया भाई। 5 करोड़ के डायमंड मिल गए हैं, जिस वजह से यार हम लोग एक क्या 4-5 लेजेंडर खरीद सकते हैं, और यार हम फरारी भी खरीद सकते हैं, कितनी गाड़ियां खरीद सकते हैं यार। शिनचैन एक और मेंशन खरीद सकते हैं यार अच्छी तरीके से गाइस। लेकिन यार हमें मेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा नए वाले से ही मन अभी तक भरा नहीं है। अगर मन भर जाएगा तो जरूर से लेंगे, पैसा तो बहुत हो ही गया है, आप लोग को तो पता ही चल गया है। फ्रैंकलिन सर आ गए क्या, बहुत खुश लग रहे हो? अबे यार भाई मैं क्या ही बताऊं, आज फिर से लॉटरी लग गई। सर जी ऐसी क्या बात है सर, आपको सैलरी की जगह लॉटरी लगती है? हाँ भाई ऐसी बात है। फ्रैंकलिन भैया ज्यादा मुंह मत खोलो, इनके सामने पता चले यही लोग डकैती मार दे। हाँ भाई बात तो सही बोल रहा शिनचैन, ज्यादा मुंह नहीं खोलते। ठीक है भाई ठीक है। शिनचैन यार इस गैरेज में गाइस यार एक और भी कलेक्शन ऐड होने वाली है, और इस कलेक्शन को हम ना बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन सी गाड़ी आनी चाहिए, आप तो देख ही रहे हो ना हम लोगों का सफर। हाँ नहीं तो क्या। तो गाइस मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। हाँ गाइस फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे भी।